पोस्टल विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिससे परेशान होकर अंबाला में पोस्टल विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने विभाग के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप भी लगाया है। हमें पेंशन जो है, रिटायरीज आदमी जहाँ पे पेंशन लेने आते हैं उनको पेंशन टाइम पे नहीं मिलती। हर बार इस तरह का हमारे साथ सलूक किया जाता है। जाकर पोस्टमास्टर से पूछो कि पेंशन क्यों नहीं डाली हमारे खातों में, तो ये कहा जाता है कि आप डीएपी से पे ऊपर डीएपी का दफ्तर है उसके पास चले जाओ। जब डीएपी के दफ्तर पे जाते हैं तो वो कहते हैं आप डायरेक्टर अकाउंट से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टर अकाउंट से मिलो या डायरेक्टर से मिलो डीएपी के दफ्तर में। अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं बंगलौर से अभी वो जो है इस प्रकार की तनख्वाह डलती है, वो सिस्टम में खराबी आ गई है। और इस बार तो हद हो गई है कि सभी हिंदुस्तान के सभी दफ्तरों में तनख्वाहें डाल दी गई हैं। क्या दिक्कत आती है भैया? दिक्कत यहाँ पे कोई कोऑपरेटिव नहीं करता, कोई कभी पेंशन लेने और कोई ढंग से बात नहीं करता कभी भी। और पीछे भी है कि अगर पेंशन रोक ली थी उन्होंने हमारी, तब भी हाई हाई हुई थी, पता नहीं 3:30-4 बजे मिली थी। और अब भी यही हाल है, अब जो इंसान इस पर पेंशन पे गुजारा करते हैं वो क्या करेंगे। तो पोस्ट मास्टर साहब के पास गए थे, यूनियन वाले गए थे, तो उनका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है।